हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी AEES की ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आई थी। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने 205 जो परमानेंट पोस्ट की नोटिस आई थी, नोटिफिकेशन, उसके लिए एप्लीकेशन डाल दी होगी। तो अब वो सारे कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप की हुई है, वो वेट कर रहे हैं एग्जाम डेट के लिए और एडमिट कार्ड के लिए। तो ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म फिल किया हुआ है और वो एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड या हॉल टिकट का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं पूरी डिटेल्स के लिए। सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि आप में से जो कैंडिडेट ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं 23 मई से AEES की 205 परमानेंट पोस्ट की नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई थी, उसके लिए एप्लीकेशन 23 मई से शुरू हुई थी। 12 जून तक आपने लास्ट एप्लीकेशन की होगी, 12 जून लास्ट डेट थी एप्लीकेशन की। हॉल टिकट या एडमिट कार्ड के बारे में और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली थी, उसके बारे में कोई भी डेट उस एडवर्टीजमेंट में मेंशन नहीं की गई थी। तो अब इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन और हॉल टिकट रिलीज कब होंगे। ये एडवर्टीजमेंट इस तरीके से था, आप सभी को याद होगा, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में भी आया था और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी थी। तो अब बात कर लेते हैं हॉल टिकट और एग्जाम डेट की। इसके पहले आपको बता दूं कि 2019 में एग्जामिनेशन हुए थे। 2019 में जो एग्जामिनेशन हुए थे उसमें स्टार्ट हुई थी एप्लीकेशन 30 जून को और 20 जुलाई तक एप्लीकेशन सबमिट की गई थी, मींस पोर्टल ओपन था 20 जुलाई तक। 1 अगस्त को हॉल टिकट जारी कर दिए गए थे। 27, 28, 29 सितंबर 2019 को परीक्षा ले ली गई थी। तो ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इससे पता चलेगा इस बार का क्या पैटर्न रहेगा। तो 20 जुलाई को अगर लास्ट फॉर्म फिलअप की गई थी एंड 27 सितंबर को एग्जामिनेशन लिया गया, मतलब अगस्त पूरा महीना और सितंबर 27, तो लगभग 2 मंथ्स का टाइम दिया गया, 2 महीने का गैप दिया गया फॉर्म फिलअप से लेके परीक्षा तक में, 2 महीने का गैप था, 2 महीने का अंतर था डिफरेंस। और इसी बीच में 1 महीने 1.5 महीने पहले हॉल टिकट भी जारी कर दी गई थी। तो बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न आप यहाँ पर अब इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, फिलहाल कोई अपडेट नहीं आई हुई है। लास्ट जो अपडेट है नोटिस सर्कुलर इन्फॉर्मेशन में, फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं है सीबीटी एग्जामिनेशन या हॉल टिकट की। तो अब अगर उसी पैटर्न को फिर से रिपीट किया जाए तो 2 महीने का गैप, मतलब 12 जून को अगर एग्जामिनेशन की फॉर्म फिलअप की है लास्ट, तो एग्जाम टेंटेटिवली अगर 2 महीने का गैप डिफरेंस यहाँ भी रखा जाए तो 15 अगस्त से लेके 1st week ऑफ सेप्टेम्बर तक आप एग्जाम की डेट अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 अगस्त से लेके 1 सितंबर या पहले वीक ऑफ सेप्टेम्बर, 1st week ऑफ सेप्टेम्बर में, 15 अगस्त से लेके 1st week ऑफ सेप्टेम्बर तक में एग्जामिनेशन हो जाने चाहिए इसके। और इसके लिए जो डेट वगैरह वो आ जाएंगे और हॉल टिकट 1 महीने पहले कम से कम आ जाएंगे, तो 1 मंथ पहले आ जाएंगे आपके। तो जुलाई में किसी डेट पे आपके हॉल टिकट रिलीज हो जाएंगे, जुलाई में किसी भी डेट में। और इसके बाद एग्जामिनेशन के लिए मैंने आपको फिर से बता दिया कि अगस्त से लेके, 15 अगस्त से लेके 1st week ऑफ सितंबर तक आप एग्जामिनेशन की डेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको जरूर मिलेगी।